यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की खबरों में, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के, जिन्होंने देहरादून में, इस बीच में एक बड़ी खबर देहरादून से यह भी मिल रही है कि 80 लोगों के साथ फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, और इसी मामले में अब पुष्पांजलि रियंस एंड इन्फोटेक कंपनी के मालिक दीपक मित्तल और उनकी पत्नी के साथ कंपनी में शेयर होल्डर्स की भी दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं। मामले में पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। फरार दीपक मित्तल की कंपनी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं और इन पर गिरोह बनाकर लोगों पर पैसा हड़पने का आरोप है। देहरादून से बड़ी खबर। सबसे पहले मुख्यमंत्री के भी कई कार्यक्रम थे, उस खबर पर भी हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी का मामला है, और इसी मामले में पुष्पांजलि रियंस एंड इन्फोटेक कंपनी के मालिक दीपक मित्तल और उनकी पत्नी के साथ कंपनी में शेयर होल्डर्स की भी अब परेशानियां बढ़ती दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतोर इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, किस तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से लगातार इस तरीके के नोटिस भी दीपक मित्तल को जारी हुए हैं, और अगर उनकी भारत वापसी होती है तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, इसके लिए सर्कुलर नोटिस पहले ही जारी हो चुका है। लेकिन दीपक मित्तल के जो और शेयर होल्डर्स थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई करने जा रही है। करीब 80 लोग हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, और लोगों के अगर हम राहत की बात करें तो ये है कि इस पूरे जिस तरीके से अपार्टमेंट बन रहे थे, इसको अगर कोई टेक ओवर करता है तो इसमें हो सकता है कि जो निवेशक हैं उनके पैसे वसूल हो सकते हैं अगर कोई और इस पर टेक ओवर करता है। इस तरीके की भी तैयारियां पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूरा फ्रॉड हुआ है, तो दीपक मित्तल जब भी यहां से विदेश फरार हुए थे तो पहले ही उनकी ये पूरी प्री प्लानिंग थी कि किस तरीके से लोगों का पैसा है और वो अपने फादर के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन क्या उस पैसे की रिकवरी होगी जो इन्होंने ठगी रखी? जी देखिए, पुलिस की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से, क्योंकि दीपक मित्तल के साथ और शेयर होल्डर्स हैं और उनको भी उनसे पूछताछ की जा रही है, और संभवतः उन पर भी जो है गिरफ्तारी की तलवार अटक सकती है, तो कोशिश की जा रही है कि जो और शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो अन्य प्रॉपर्टी है उससे जो है कुछ पैसा निकाला जा सके और जो निवेशक है उनको कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। तो ये एक बड़ा फ्रॉड है जिसमें कि पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की कार्रवाई है, और ऐसे में जो और शेयर होल्डर्स हैं उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। जी राजू जी, रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पुष्पांजलि बिल्डर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारियां चल रही हैं। दूसरा, रिकवरी की भी कोशिशें, क्योंकि लोगों का खून पसीना का जो पैसा है वो लगा है, वो ऐठा गया है, और इनमें मैक्सिमम जो शिकायतें हैं उनमें जाँच के बाद एफआईआर भी हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको लेकर के एक बड़ी सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं, साथ ही साथ ये उनको डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि इसमें गैंगस्टर एक्ट पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बड़ा मामला है, बड़ा स्कैम है और कई सारी एफआईआर इसमें आ रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारियां हैं, और पुलिस इस तैयारी में है कि अब कार्रवाई हो, और कंपनी के शेयर होल्डर्स पर भी कार्रवाई संभव है। तो बिल्डर पर शिकंजा और गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसे बताया जा रहा है कि कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 50 करोड़ रुपए निवेशकों से लेकर लॉकडाउन से पहले ये विदेश फरार हो गया था, जो आरोपी इसमें है, जो बिल्डर इसमें है, और गिरोह बनाकर लोगों का पैसा इन्होंने हड़पा, और इसमें दीपक मित्तल की कंपनी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना और बिंदाल नदी के ट्रीटमेंट सीवर प्लान के लिए 63 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। नमामि गंगे परियोजना के तहत देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के इंटरसेप्शन डायवर्जन कार्य किए जाने हैं, जिसमें 177 नालों और रिस्पना नदी के आसपास के घरों की सीवर पाइप्स का शोधन कार्य, सीवर पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य होना है, और इसी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 63 करोड़ 75 लाख की योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देहरादून में ये
भूमि पूजन ये शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। रिस्पना और बिंदाल नदी के ट्रीटमेंट सीवर प्लान के लिए ये 63 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। देहरादून के मध्य शहर से जो दोनों नदियां निकलती हैं और जिसमें लगभग 12 से 15 लाख की आबादी डोई वाला कुल मिला दें तो उन इनसे जुड़ी हुई है। इन नदियों की निर्मलता शुद्धता ये बहुत जरूरी है गंगा की निर्मलता के लिए। 63 करोड़ रुपए से देहरादून के जितने भी नालियां हैं जो रिस्पना और बिंदाल नदी में गिरते हैं उनको टेप करने के काम का शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि गंगा की 100% निर्मलता उत्तराखंड में रहे उसके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत आज हुई है। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा भी खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परियोजना है और ये बड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि जिन योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है कब तक ये बनकर तैयार होंगी, इनके तहत क्या क्या बनाया जाएगा और रिस्पना और बिंदाल नदी और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। जी देखिए राजीव, मुख्य रूप से अगर देखें तो जो 63 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हुआ है तो इसमें मेन जो है सीवर पंपिंग स्टेशन का निर्माण तय कराया जाना है और जो 177 नाले हैं जो रिस्पना और बिंदाल नदी में मिलते हैं उन नालों का जो है टेपन किया जाना है, टेप करके शोधन उन नालों का किया जाना है। यानी कि जो सीधा सीधा जो जिस तरीके से जो सीवर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है नदियों में उनकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये टेप का शोधन कार्य किया जाएगा और करीब जो है एक साल का ये वक्त है जिस एक साल में इन तमाम योजनाओं जिनका शिलान्यास हुआ है इन पर पूरा कार्य किया जाना है। तो दो मुख्य नदियां हैं बिंदाल और रिस्पना जिन पर कई नाले जो है गिरते हैं शहर के, तो उन नालों का ट्रीटमेंट किया जाना है, टेप शोधन किया जाना है। तो ये कोशिश थी पहले भी जिस तरीके से नमामि गंगे जो परियोजना है और गंगा को साफ करने की बात की जा रही है तो पहले जब छोटी नदियां और नाले साफ होंगे तो उसके बाद ही गंगा स्वच्छ और निर्मल हो सकती है और इसी के तहत आज एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था जिसमें तमाम योजनाओं का शिलान्यास हो गया है और उस पर तमाम जो विभाग है उनको ये आदेशित कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्य करें। एक बड़ी सौगात देहरादून को और भी आज मिली है, एक रेन बसेरे का भी उद्घाटन किया गया है जो बंदी रोड है, मलिन बस्तियां हैं और हजारों लोग यहां पर रहते हैं। ये रेन बसेरा सिर्फ निराश्रितों के लिए सोने के काम नहीं आएगा बल्कि इस रेन बसेरे में कहीं ना कहीं जो शादियां हैं गरीब परिवार लोगों की उन शादियों को भी कराया जाएगा। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में हाई ऑल्टीट्यूड पर काम कर रहे पुलिस जवानों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे पुलिस जवानों को अब आईटीबीपी और आर्मी की तर्ज पर भत्ता दिए जाने की तैयारियां हैं। आईजी गढ़वाल रेंज ने पहाड़ी जिलों के पुलिस अधिकारियों से आईटीबीपी और आर्मी के जवानों को दिए जाने वाले भत्ते की जानकारी देने को कहा है। आर्मी भत्तों की जानकारी के बाद ये प्रपोजल पुलिस मुख्यालय और शासन को भेजा जाएगा। प्रपोजल दो भागों में रहेगा, एक जो 9,000 फीट से ऊपर काम करने वाले जवानों के लिए है और एक 5,000 से 9,000 के बीच में ड्यूटी देने वाले पुलिस के जवानों के लिए। दरअसल हाल ही में चार धाम की यात्रा पर निकले आईजी गढ़वाल ने सभी जिलों की पुलिस से बातचीत करके ये प्लान तैयार करवाया है। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में केवल 7,000 फीट के ऊपर के जवानों को 200 रुपए प्रतिदिन का भत्ता मिलता है जो कि अब आर्मी की तर्ज पर बढ़ेगा। हमारे कर्मचारी हाई ऑल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, उनके वेतन भत्तों में कुछ विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के लिए मैंने दोनों जनपद के एसपी से कहा है, रुद्रप्रयाग और चमोली से, कि आर्मी और आईटीबीपी के साथ एक तुलनात्मक चार्ट बनाकर और उसका हम लोग भी अपने स्तर पर परीक्षण करके हम शासन से अनुरोध करेंगे कि जो हमारे कर्मचारी खासतौर से 9,000 फीट से ज़्यादा की हाइट पर हैं और खासतौर से विंटर्स में जिनको बहुत दुर्गम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो मेरी समझ से उनसे हम अनुरोध करेंगे शासन से कि उनको आईटीबीपी या आर्मी के समकक्ष ही कम से कम राशन की सुविधा या वर्दी की सुविधा जो भी उनको दी जाती है वो उस हिसाब से उपलब्ध कराई जाए। एक बड़ी खबर रुड़की से इस वक्त मिल रही है। 50 से ज्यादा लोगों की रुड़की में तबीयत बिगड़ गई है। 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और कुट्टू के आटे की रोटी खाने की वजह से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। 50 से ज्यादा की संख्या इनकी बताई जा रही है जिनकी तबीयत बिगड़ी है। कुट्टू के आटे की रोटी इन लोगों ने खाई थी और उसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतें मिली हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुट्टू के आटे की रोटी खाई थी और उसके बाद से तबीयत बिगड़ गई है और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। संबंध में जानकारी ली गई है।
प्रभारी निरीक्षक गंगनहर के द्वारा, और अभी मंगलौर से भी इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है। सभी संभावित पहलुओं से जानकारी की जा रही है, साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से जिन लोगों के बीमार होने की खबरें मिली हैं उनके घरों से शेष बचा आटा उसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। जहां से उनके द्वारा उक्त आटा क्रय किया गया है उस स्थान की भी सैंपलिंग कराई जा रही है और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और विनीत हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, दर्शकों को ये तो बताएं कि इन लोगों की हालत कैसी है, और साथ साथ ये बताएं कि इन लोगों ने कहां से आटा खरीदा था। जो अधिकारी पहुंचे हैं फूड सेफ्टी के, वो उन्होंने क्या कुछ अभी जांच में पाया है? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से ये कल नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं और पहला नवरात्र था, लेकिन जिस तरह से लोग उपवास के दौरान कुकू के आटे का इस्तेमाल कर रहे थे, वही कुकू के आटे का इस्तेमाल इन्होंने खाने में किया था। लेकिन जिस तरह से देर रात इन्होंने खाना खाया, कुटे की आटे की जो रोटियां खाई हैं उसके दौरान इनकी तबियत बिगड़ी है। लगभग 50 से अधिक जो संख्या है जिन लोगों की तबियत इस आटे के खाने से बिगड़ गई। हालांकि जो लोग हैं सभी की स्थिति सही है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती और कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों ने जो आटा है वो अपनी निजी दुकान जो अपने गली मोहल्ले में होती है वहीं से खरीदा था, लेकिन उसके बाद अब जो प्रशासन है और पुलिस है और खाद्य सुरक्षा विभाग है वो लगातार अब दुकानों पर जाकर सैंपल भर रहा है। और सभी को ये भी कहा गया है कि जो भी आटा उनके पास है वो अभी इनको इस्तेमाल ना करें ताकि किसी की कोई तबियत और ना बिगड़ सके। जी विनीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 को लेकर गंगा की सफाई का काम जारी है। आज से गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान की शुरुआत की गई है जो पूरे गंगा नदी के गंगा बंदी के दौरान चलाया जाएगा। यही वजह है कि कुंभ कार्यों और वार्षिक मरम्मत के नाम पर हरिद्वार में गंगा जी को एक महीने के लिए बंद किया गया है, जिसके बाद से गंगा जल में छुपे हुए ढेरों गंदगी उभर कर बाहर दिखने लगी, जिसको साफ करने के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत ने इसका बीड़ा उठाया और हर की पैड़ी में हर एक क्षेत्र में दीपक रावत ने सफाई अभियान की शुरुआत करके गंगा जी में खुद भी सफाई की। और 14 नवंबर तक गंगा बंदी एक तरह से रहेगी। इस दौरान बहुत सा ऐसा कूड़ा जिसमें कपड़े भी हैं, इसमें कुछ प्लास्टिक आइटम्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें शूज़ भी डाल दे रहे हैं, कुल मिला के ऐसी चीज़ें जो गंगा जी को एक तरह से अफेक्ट कर रही हैं, दूषित कर रही हैं, वो पड़ी हुई हैं, उन सबको हटाने का ये अभियान है। इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ हैं, गंगा सभा हमारे साथ है, इसमें लिंग भगीरथ, स्पर्श गंगा, NSS की टीम है, इसके अलावा आकांक्षा ग्रुप है और बहुत से वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने आने वाले दिनों भी आने के लिए कमिट किया है। तो कुल मिला के टास्क इतना ही है कि एक ये एक तरह का पीपल्स मूवमेंट बने।